Dear students, today our topic for discussion is Jhelum River. So dear students, so far river Jhelum is concerned, we can say that the river Jhelum is one of the important river of Indus River system. This river Jhelum is perennial in nature, means it is flowing throughout the year. So river Jhelum is known as the lifeline of Kashmir. Jo river Jhelum ise kehte hain lifeline of Kashmir ki lifeline ise kehte hain. So far the origin of this river Jhelum is concerned, it is originated from the spring of Virindal. Kaun sa origin hota hai river Jhelum ka? It is originated from the spring of Virindal. Spring of Virindal. Virindal in the foothills, in the foothills of Pir Panjal range. Foothills of Pir Panjal range. In the foothills of Pir Panjal range. So Virindal is originated from spring of Virindal in the foothills of Pir Panjal range. Pir Panjal range. ठीक है ना? So Virindal is a place located in कहाँ पे located? Anantnag district में. Anantnag district. जो Anantnag district है. Anantnag district of Jammu and Kashmir. अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वहीं से एक जगह है वेरिनाग जहां से ऑरिजिन होता है रिवर जहलम का. ठीक है ना? सो रिवर जहलम इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ वेरिनाग इन द फुटहिल्स ऑफ पीर पंजल रेंज. ठीक है ना? और वी कैन से दैट इज साउथ ईस्टर्न, जो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर का जो है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर यहीं से ऑरिजिन होता है रिवर जहलम का. ठीक है ना? रिवर जहलम द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर. सो फॉर द टोटल लेंथ ऑफ रिवर जहलम इज कंसर्न, अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ रिवर जहलम इज 725 किलोमीटर. टोटल लेंथ ऑफ रिवर जहलम इज 725 किलोमीटर. ठीक है ना? सो रिवर जहलम कहां से ऑरिजिन होता है? इट इज ऑरिजिनेटेड यहां से ऑरिजिन होता है, यहाँ पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे मेरिना अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से निकलता है रिवर जहलम. इट फाइनली फ्लो करता है थ्रू पांपोर, उसके बाद श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद बाणीपोरा. बाणीपोरा के बाद हम देखते हैं बाणीपोरा में जिस अगर रिवर जहलम की बात कर रहे हैं, ज्वाइन विद यहाँ पे ज्वाइन करता है वालूर से. ठीक है ना? सो वेन दिस रिवर जहलम लीव्स वालूर, सो फाइनली दिस जहलम एंटर होता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में. सो बारामूला डिस्ट्रिक्ट को छोड़ने के बाद अगर हम देखेंगे रिवर जहलम, इट एंटर्स इन पीओके, ये एंटर होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में. अगर हम देखें यहाँ पे कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे किश्तवाड़, गिलगित और सुकारो, दीज आर द पार्ट्स ऑफ पीओके. सो फाइनली दिस रिवर जहलम एंटर पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. सो फिर अगर हम बात करेंगे दिस रिवर जहलम, फाइनली ये रिवर जहलम ज्वाइन करता है चिनाब से. कहां? किससे? चिनाब से. चिनाब रिवर जो है जो इसे ज्वाइन करता है रिवर जहलम, कहां पे? त्रंबू में. सो त्रंबू एक जगह है, त्रंबू इज अ प्लेस. कहां पे? त्रंबू इज इन जंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. जो जंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस जो है पाकिस्तान की, वहां पे एक जगह है त्रंबू, वहीं पे हम देखते हैं रिवर जहलम ज्वाइन करता है चिनाब. सो हम कह सकते हैं रिवर जहलम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर चिनाब. सो रिवर जहलम क्या है? एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है रिवर चिनाब की, ट्राइब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर. चिनाब रिवर जहलम रिवर क्या है? ट्राइब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर. कहां पे ज्वाइन करता है? त्रंबू में. ठीक है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा. ठीक है ना? अगर हम नाउ जो रिवर जहलम है, अगर हम बात करेंगे एंशियंट में इसके बहुत से अल्टरनेटिव नेम्स भी है रिवर जहलम के. अगर हम संस्कृत की बात करेंगे, संस्कृत लैंग्वेज रिवर जहलम इज नोन एज वितास्ता. सो वितास्ता इसे कहते हैं संस्कृत में. संस्कृत लैंग्वेज में जो नाम है जहलम का वह है वितास्ता. सो इन संस्कृत लैंग्वेज रिवर जहलम इज नोन एज वितास्ता. इन पर्शियन, अगर हम पर्शियन की बात करेंगे, इन पर्शियन दिस रिवर जहलम इज नोन एज बाहित. बाहित कहते हैं इसे पर्शियन लैंग्वेज में. इन ग्रीक लैंग्वेज दिस रिवर जहलम इज नोन एज हिडिस्पस. हिडिस्पस कहते हैं इसे ग्रीक लैंग्वेज में. ठीक है ना? ग्रीक लैंग्वेज में हिडिस्पस कहते हैं. अगर हम बात करेंगे जो ये रिवर जहलम है, पहली बार रिवर इस वाटर बॉडी का जो जहलम नेम है, अलबरूनी ने अपनी बुक, अलबरूनी जो फेमस हिस्टोरियन है जो महमूद अब गजनवी के साथ इंडिया आया था, अलबरूनी, इसने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी इंडिया पे, किताबुल हिंद. किताबुल हिंद एक इंपॉर्टेंट
सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है। इस बुक में अल-बिरूनी ने मेंशन किया है द नेम ऑफ जहलम, जहलम नाम दिया इसका रिवर का, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि जब ये रिवर जहलम लीव करता है बारामूला को, जब ये एंटर होता है पाकिस्तान में, सो पाकिस्तान में इसे कहते हैं कर्शुर दरिया। क्या कहते हैं इसे? कर्शुर दरिया। सो कर्शुर दरिया रिवर जहलम को कहां पे नाम दिया गया है? पीओ के, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रिवर जहलम को कहते हैं कर्शुर दरिया। सो लोकली अगर हम बात करेंगे, लोकली इन कश्मीरी लैंग्वेज, लोकली इन कश्मीरी लैंग्वेज, कश्मीरी लैंग्वेज में रिवर जहलम को कहते हैं वेथ। सो वेथ इज द लोकल नेम ऑफ जहलम रिवर, वेथ इज द लोकल नेम ऑफ जहलम रिवर। द वर्ड जहलम, नाउ अगर अगर बात करेंगे जहलम वर्ड की, द वर्ड जहलम इट्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम टू वर्ड्स। पहले हम जल, जल जहलम इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम टू, जल एंड हम, जल एंड हम। जल मीन्स द प्योर वाटर, हम मीन्स स्नो, प्योर वाटर, हम मीन्स प्योर वाटर, जल हम मीन्स स्नो। सो so we can say that in simple words we can say that it refers to a water of a river, it refers to a water of a river which have their origin from Sindhu Kapar mountains, from Sindhu Kapar, from Sindhu Kapar mountains. That's why the river Jhelum is known as this, the river Jhelum is derived from two words, jal and hum, pure water, and hum means Sindhu, theek hai na. So it's originated from Sindhu Kapar mountains, ठीक है ना। नाउ द हाइड्रोलॉजी, अगर हम हाइड्रोलॉजी की बात करेंगे, द हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है इस रिवर पे, अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स की, पहले हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट कहां पे है रिवर जहलम पे, वो है मोहरा प्रोजेक्ट, मोहरा पावर प्रोजेक्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट, जो पहला पावर प्रोजेक्ट कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का है, वो है मोहरा पावर प्रोजेक्ट। वो पावर प्रोजेक्ट हमें, पावर प्रोजेक्ट जो है कब बनाया गया, 1902 में इसको बनाया गया। एट दैट टाइम जो कश्मीर का रूलर था वो था महाराजा प्रताप सिंह, डोगरा रूलर था कश्मीर का उस टाइम महाराजा प्रताप सिंह। सो महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में हम देखते हैं जो पहला पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है रिवर जहलम पे, वो है मोहरा पावर प्रोजेक्ट। सो मोहरा, मोहरा पावर प्रोजेक्ट 1920, उस टाइम कश्मीर का रूलर था महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है ना। सेकंड इंपॉर्टेंट, दिस जो ये मोहरा प्रोजेक्ट, इट वाज द फर्स्ट वुडन प्रोजेक्ट, ये वुडन पावर प्रोजेक्ट था कश्मीर में। टोटल कैपेसिटी जो थी इसकी 9 मेगावाट्स की थी, 9 मेगावाट्स टोटल। कहां पे था ये? बोनियार, इसको बनाया गया था बोनियार विलेज, एक विलेज है बोनियार विलेज, कहां पे? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है बोनियार, वहीं पे बनाया गया था पहला पावर प्रोजेक्ट रिवर जहलम पे, उसका नाम है मोहरा पावर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट है उड़ी पावर प्रोजेक्ट, उड़ी फर्स्ट, उड़ी फर्स्ट, जो उड़ी फर्स्ट है उसको कंप्लीट किया गया 1989 में, ठीक है ना। सेकंड इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट उड़ी कहां पे? उड़ी इज अ टाउन इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, उड़ी भी एक इंपॉर्टेंट टाउन है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, नियर नियर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर बात करेंगे जो वहां पे, वहां से हम शेयर करते हैं बाउंड्री, जो यहाँ पे बारामूला से आगे हम देखते हैं यहाँ पे उड़ी है, ठीक है ना। वहीं पे एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वहां, जो जिस पावर प्रोजेक्ट इस पे उड़ी डैम भी से कहते हैं, ठीक है ना। टोटल कैपेसिटी जो इसकी है वो है 480 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। सेकंड इंपॉर्टेंट जो है पावर प्रोजेक्ट वो है उड़ी पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद अगर हम देखेंगे मीरपुर, यहाँ पे एक मीरपुर सिटी है, मीरपुर में एक इंपॉर्टेंट डैम है रिवर जहलम पे, जिसको हम कहते हैं मंगला डैम। सो मंगला डैम कहां पे है? मंगला डैम है न्यू, जो मीरपुर सिटी है वहां पे है, मीरपुर सिटी में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम है दुनिया का मंगला डैम, किस पे है? रिवर जहलम पे। कब बना इसको कंप्लीट किया गया है? इसको कंप्लीट किया गया 1967 में, ठीक है ना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बैरेज है रसूल बैरेज, रसूल बैरेज, सो रसूल बैरेज भी है जहलम पे, इसको भी कंप्लीट किया गया 1967। सो बैरेज होता है एक आर्टिफिशियल बैरियर अक्रॉस ए रिवर, अक्रॉस ए रिवर, उसको बैरेज कहते हैं। आर्टिफिशियल एंड आर्टिफिशियल दिस बैरियर अक्रॉस ए रिवर इज नोन एज बैरेज। सो रसूल बैरेज कहां पे है? रसूल बैरेज, रसूल बैरेज भी हम देखते हैं वहां पे पंजाब प्रोविंस में, पाकिस्तान पीओ के, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक प्रोविंस है पंजाब प्रोविंस, वहीं पे है रसूल बैरेज, ठीक है ना। नाउ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर जहलम, अगर बात हम करेंगे ट्राइब्यूटरीज की, सो फॉर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ जहलम इज कंसर्न, अगर हम ट्राइब्यूटरीज की बात करें, जहलम रिवर
फेमस इसलिए इसको कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर, कश्मीर की लाइफ लाइन किसको कहते हैं, रिवर जहलम को, ठीक है ना। नाउ द ट्राइब्यूटरीज, पहले हम देखते हैं राइट बैंक, उसके बाद लेफ्ट, पहले हम डिस्कस करेंगे ट्राइब्यूटरी किसे कहते हैं। ट्राइब्यूटरी सिंपली मींस अ स्ट्रीम और अ रिवर, स्ट्रीम और अ रिवर विच जॉइंस, जो एक छोटा सा रिवर होगा, छोटी सी स्ट्रीम होगी जो एक बड़े रिवर से ज्वाइन करती है, उसको कहते हैं ट्राइब्यूटरी, ठीक है ना। राइट बैंक ट्राइब्यूटरी में पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्यूटरी हुआ है ब्रिंगी, इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी, उसके बाद अरपथ, इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी लिदर, सो लिदर मशहूर है, लिदर वैली कहां पे है, पहलगाम में, एक इंपॉर्टेंट वाटर रिवर है वहां पे पहलगाम से जो फॉलो करता है लिदर, एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी, किस रिवर की, जहलम की, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं सेंध, सेंध एक इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्राइब्यूटरी इसलिए है क्योंकि दिस सेंध इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर जहलम, रिवर जहलम की जो लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ जहलम सेंध, कहां से निकलता है सेंध, थजवस ग्लेशियर, थजवस ग्लेशियर सोनमर्ग, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है सोनमर्ग, फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट जो है, वहां पे एक ग्लेशियर है थजवस ग्लेशियर, वहीं से ऑरिजिन होता है सेंध का, ठीक है ना। अगर हम बात करें जो सेंध फिर फाइनली फ्लो करती है थ्रू गांधरबल डिस्ट्रिक्ट एंड इट जॉइंस विद, जॉइन करती है फिर जहलम से, कहां पे, एक जगह है बानीपुरा डिस्ट्रिक्ट में शादीपुरा, शादीपुरा में हम देखते हैं जो सेंध इट जॉइंस विद रिवर जहलम, एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, जो लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है रिवर जहलम की, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं बानियारी, एक इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है बानियारी, अर्जुन है जो बानीपुरा डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं, दोनों स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं, किससे फाइनली ज्वाइन करते हैं रिवर जहलम से, ठीक है ना। एक्चुअली दीज टू स्ट्रीम्स दे ज्वाइन विद वालू, ठीक है ना, फिर वालू से होके ज्वाइन करते हैं रिवर दिस जहलम से, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं मधुमती है, किशन गंगा है, मधुमती, मधुमती बानीपुरा डिस्ट्रिक्ट से, मधुमती फॉलो करता है बानीपुरा डिस्ट्रिक्ट से, इंपॉर्टेंट रिवर है, ज्वाइन करता है राइट में, ज्वाइन करता है किससे, एक्चुअली ज्वाइन फाइनली फॉलो करते हैं वालूर में, ठीक है, फिर ज्वाइन होता है वालूर। उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है किशन गंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है किशन गंगा, जिसे हम कहते हैं नीलम रिवर, इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर जहलम राइट बैंक की है किशन गंगा, इसको कहते हैं नीलम, नीलम रिवर किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पावर प्रोजेक्ट, किशन गंगा प्रोजेक्ट, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 330 मेगावाट, ठीक है ना, कहां पे है, बानीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, बानीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज थे राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर जहलम। नाउ द लेफ्ट बैंक, अगर हम बात करेंगे नाउ लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज की, उसमें इंपॉर्टेंट है विषम, सो विषम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विषम पे एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है अहरबल वाटरफॉल, विषम रिवर ही बनाता है अहरबल वाटरफॉल, जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वैली की, ठीक है ना, अहरबल वाटरफॉल कहां, किस रिवर पे, वैशो पे, कोलगांव डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, वैशो रिवर पे। सेकंड इंपॉर्टेंट राइट लेफ्ट बैंक है रंबेर, सो रंबेर जो है, रंबेर इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ जहलम, रंबेर इज वन ऑफ द वाइडेस्ट, एक वाइडेस्ट ट्राइब्यूटरी है, वन ऑफ द इट्स द वाइडेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ जहलम रिवर, जहलम रिवर की वाइडेस्ट ट्राइब्यूटरी है रंबेर, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं दूध गंगा है, फिरोजपुर नाला है, दूध गंगा, फिरोजपुर नाला, फिरोजपुर नाला, निंगली, ये दीज आर द फ्यू अनदर, ये भी फेमस, ये भी राइट बैंक सॉरी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है जो रिवर जहलम से ज्वाइन करते हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है ना। निंगली की अगर बात करेंगे, जो निंगली है कहां से निकलती है, अपरवट से निकलती है, अपरवट जो गुलमर्ग है वहीं से, अपरवट वहीं से निकलता है निंगली, ठीक है ना। सो दीज वर द लेफ्ट, अब हम जब डिस्कशन किए लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्राइब्यूटरी, हमने डिस्कशन किए जहलम के इंपॉर्टेंट, उसमें था विषो, विषो पे है अहरबल, रणबेर वाइडेस्ट है, उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया सेंध के बारे में, सेंध वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ जहलम रिवर, उसके बाद हमने डिस्कस किया किशन गंगा के बारे में, किशन गंगा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर जहलम, जिसपे एक इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट है वो है किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। नाउ द सिटीज, अब हम बात करेंगे जो सिटीज सिचुएटेड है किस पे, इंपॉर्टेंट सिटीज जो सिचुएटेड है रिवर जहलम पे, पहले हम बात करेंगे, इसमें हम देखेंगे अनंतनाग है, अनंतनाग सिटी, श्रीनगर सिटी कहां पे, किस पे सिचुएटेड, ऑन रिवर जहलम, सोपोर टावर,
बारामूला, सोपोर टाउन है, बारामूला है, मुजफ्फराबाद है, न्यू सिटी जो मुजफ्फराबाद, मीरपुर सिटी भी इस पे है, जिस अनंतनाग भी है, मुजफ्फराबाद भी है, कहां किस पे सिचुएट है, ऑन रिवर जहलम, ऑन रिवर जहलम, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिवर जहलम। सो वीडियो को देखने के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।